लेट्स टू क्वेश्चन क्वेश्चन हर्ड ऑफ डीयर आर गेजिंग इन द फील्ड वो कह रहा है कि हर्ड ऑफ डीयर मतलब डियर्स का झुंड उनमें से टोटल डियर्स के झुंड के आधे डियर्स फील्ड में घास खा रहे थे थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग टोटल के हाफ तो हमारे फील्ड में थे और जो बचे उनका थ्री फोर्थ प्ले कर रहे थे पास में ही द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और बाकी के नौ डियर्स हमारे पॉन्ड में से पानी पी रहे थे फाइन द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड तो हमें ये बताना है कितने डियर्स थे टोटल हर्ड में मतलब झुंड में कितने डियर्स थे तो हमें टोटल नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड बी एक्स है राइट right? अब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते हैं अब देखिए क्या कह रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर गेजिंग इन द फील्ड टोटल नंबर ऑफ डियर्स का आधे डियर्स फील्ड में घास खा रहे थे तो टोटल नंबर था एक्स उसमें से आधे डियर्स हाफ ऑफ द डियर्स हाफ लेकिन किसका डीयर्स का हाफ घास खा रहे थे राइट गेजिंग इन द फील्ड और आगे क्या कह रहा है एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग कैसे निकलेगा इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग निकल जाएगा तो पहले हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं तो देखिए साइड में निकालती हूँ एक्स में से अगर मैं वन अपॉइंट टू एक्स माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा टू एल सी एम अब इस टू की मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो टू इन टू एक्स माइनस वन एक्स एज इट इज ये कितना टू x x x x हमें वैसे भी पता है वन में से हाफ माइनस करते हैं तो हाफ बच जाता है तो वही हाफ बचा है राइट तो इतना रिमेनिंग बचा है तो आगे क्या कह रहा है एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय तो थ्री फोर्थ प्लस थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग कितना था x बाई टू जो अभी अभी हमने निकाला है रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय में खेल रहे थे तो ये भी एक ब्रैकेट में कर देते हैं अब आगे क्या कह रहा है द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और नौ नो में वाटर ड्रिंक कर रहे थे तो प्लस नाइन फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड और हमें नंबर ऑफ डियर्स निकालने हर्ड में से मतलब एक्स निकालना है तो ये सब मिला के ये जितने भी थे ये सब मिला के हमारे क्या बैठ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डियर्स बैठते हैं तो इसलिए इक्वल टू एक्स कर देंगे राइट right? अब देखिए अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा नंबर ऑफ डियर पता चल जाएंगे और हमें नंबर ऑफ डियर्स बताने कि कितने थे हर्ड में तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए पहले एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते चले जाते हैं कि अभी अभी हमने सॉल्व किया या तो डायरेक्ट एक्स अपॉन टू लिख दीजिए या सॉल्व करके दिखा दीजिए मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ तो ये कितना आ गया टू एक्स माइनस एक्स आ गया इस टू की मल्टीप्लाई इसमें हो गई और माइनस वन एक्स एज इट इज क्योंकि नीचे टू ही था तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ये हम ऑलरेडी फ्रैक्शन सॉल्व करना क्लास सेवन्थ में सीख चुके हैं तो प्लीज अगर आपको ये नहीं आती है तो वहां से फ्रैक्शन सॉल्व करना जरूर सीखें प्लस अब देखिए ये मल्टीप्लाई में तो मतलब ऊपर नीचे का कुछ कटता है तो काट दीजिए वरना ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे तो ये आ गया थ्री एक्स अपॉन फोर टू जै एट प्लस नाइन एज इट इज इक्वल टू एक्स अब देखिए ये आया टू एक्स में से एक्स गैस एक्स बच गया दोनों अपोजिट साइन के थे तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट हो गए साइन बड़े वाले का लग गया अपॉन टू प्लस थ्री एक्स अपॉन एट प्लस नाइन इक्वल टू एक्स अब देखिए एक्स की वैल्यूज हम क्या करते थे एक साइड ले आते थे तो अब हम एक्स की वैल्यूज एक साइड ले आएंगे देखिये एक्स अपॉन टू एज इट इज प्लस थ्री एक्स अपॉन एट एज इट इज और x इधर आके माइनस का हो गया और 9 इधर आया तो माइनस का हो गया देखिए प्लस का नाइन का हो गया और x इधर आके माइनस का हो गया यही किया अब टू और एट का एलसीएम लेंगे तो देखिए टू और एट का एलसीएम लिया टू वन ज टू टू फोर जू टू ज फोर एंड टू वन ज टू तो ये कितना आ गया टू टू ज फोर फोर टू जट आ गया एलसीएम तो हमने एट एलसीएम लिख दिया अब एक्स यहाँ एज इट इज लिखा जो हमारा ये वाला एक्स था वो एज इट इज लिखा अब टू फोर जा एट होता है तो यहाँ पे हमने फोर लिख दिया प्लस थ्री एक्स एज इट इज और देखिए यहां पे भी एट है तो एट वन जा एट होता है तो वन की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अब इस एक्स के नीचे कुछ नहीं है माइनस एज इट इज तो वन एट जा एट तो x की मल्टीप्लाई एट में इक्वल्स टू माइनस नाइन अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे ये वाले और ये वाला एट उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा क्योंकि इधर क्या है का है डिवाइड का है तो ब्रैकेट ओपन कर दिए x इंटू फोर इज फोर एक्स प्लस थ्री एक्स इज थ्री एक्स माइनस एट इन टू एक्स एट एक्स क्वल टू माइनस नाइन एज इट इज और एट इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया तो ये देखिए प्लस के एक्स एक साथ ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया सेवनटी टू तो ये देखिए ऑपोजिट साइन है आपस में सब हो जाएगा तो एट में से सेवन गया इज वन एक्स ही लिख देते हैं लेकिन माइनस का क्योंकि एट का, का था माइनस का था इक्वल टू माइनस सेवेंटी टू अब जब भी दोनों साइड माइनस साइन होता है तो आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है तो अब हमें नंबर ऑफ डियर्स पता चल क्योंकि X गए क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई एक्स आ गया हमारा सेवेंटी टू और एक्स हमने कैसे माना था नंबर ऑफ डियर्स को तो नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड हर्ड में कितने नंबर ऑफ डियर्स थे इक्वल्स टू सेवेंटी टू इज द आंसर